हेलो स्टूडेंट्स, एम्स 2013 का फिजिक्स सेक्शन देखते हैं। क्वेश्चन वन कहता है कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन में कौन सा वेव इस्तेमाल करते हैं। ठीक है बच्चों, तो तीन तरह के वेव पढ़ रखे होते हैं, ग्राउंड वेव, स्काई वेव और स्पेस वेव। ग्राउंड मतलब नियर अबाउट अर्थ चलेगा और कम डिस्टेंस के लिए, और LOS के लिए भी यूज कर सकते हो। ठीक है, स्काई दैट मीन्स ये आइनोस्फेयर से वापस लौट आता है और ये सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाले होते हैं, ग्रेटर देन 30 मेगाहर्ट्स। स्पेस वेव देखो, ये इसको पेनिट्रेट करके जा रहा है और ट्रांसमीटर के पास, और यहाँ पे भी एक रिसीवर और ट्रांसमीटर रहता है जिसको कंबाइंडली अपन सैटेलाइट बोलते हैं बच्चों, और ये अपना ग्राउंड स्टेशन वाला ट्रांसमीटर है और फाइनल ये डेस्टिनेशन पे रखा रिसीवर है। ठीक है, तो आंसर होगा अपना स्पेस वेव, क्योंकि सैटेलाइट में ये इस्तेमाल कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर वन सही जाएगा। लेट्स मूव फॉरवर्ड। प्रॉब्लम टू में न्यूक्लियर फिजन की बात कर रहा है और कहता है कौन सी क्वांटिटी कंजर्व्ड हो रही है ना, एनर्जी है, मास है, मोमेंटम है, और दोनों की बात कर रहा है। तो आप समझते हो बच्चों कि आइंस्टीन का जो मास इक्विवेलेंसी का इक्वेशन है इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर, इसमें ऐसा लिख सकता है बच्चा कि मास है और एनर्जी है, दोनों के दोनों इंटरचेंजेबल हैं, इंटरचेंजेबल हैं। और जब फिजन पढ़ते हैं तो वहां पे डेल्टा एम का टर्म आता है, मास डिफेक्ट, जिससे आगे चल के बाइंडिंग एनर्जी बनता है। तो आप कह सकते हो कि सेपरेटली ये भी कंजर्व नहीं होगा, सेपरेटली ये भी कंजर्व नहीं होगा, लेकिन कंबाइंडली दोनों के दोनों आपस में कंजर्व्ड होंगे। सो व्हाइल टॉकिंग अबाउट न्यूक्लियर फिजन, आप कहोगे दोनों के दोनों कंजर्व्ड होते हैं, बोथ मास एनर्जी आर कंजर्व्ड इन न्यूक्लियर फिजन। लेट्स मूव फॉरवर्ड। क्वेश्चन थ्री में स्टूडेंट्स कहता है एक स्लो मूविंग न्यूट्रॉन को कैप्चर कर लिया है हमारे यूरेनियम ने 235। फिर कहता है फिजन में जो एनर्जी है, एक फिजन की एनर्जी 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और जो रिएक्टर है वो 100 वॉट का है। आपको बताना है रेट कितना होगा न्यूक्लियर फिजन का। तो फ्लो चार्ट क्या कहता है कि एक न्यूट्रॉन जाके पड़ता है किस पे, यूरेनियम 235 पे। तो आपको ये अनस्टेबल बन जाता है, स्टेबल अनस्टेबल ये बन गया। ठीक है, वाइब्रेंट नेचर का, एनर्जी अक्वायर कर ली। तो फिर ये अपने बाय प्रोडक्ट्स देगा और एट लास्ट ये चीजें बनती हैं, है ना। इस तरह पढ़ते हैं अपन लोग। ये ध्यान रखें अपन कि इसके साथ साथ ये 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी भी मिल रही है। जो पूरा रिएक्टर है उसका पावर है 100 वॉट। तो आप कह सकते हो कि जो रेट रहेगा, रेट ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन या न्यूक्लियर फिजन बोल दें अपन, इसका रेट कितना होने वाला है। सीधा आंसर मिलेगा बच्चों, सबसे पहले ये समझ लो कि क्या रिएक्टर है अपने पास। तो ये हो जाएगा पावर किसका बच्चों, रिएक्टर का, और यहां आ जाएगा कितना एनर्जी रिलीज हुआ है। तो एनर्जी रिलीज्ड आप देख ही सकते हैं कि ये लिखा हुआ है 100 वॉट और ये हो जाएगा 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी टर्म को पढ़ते हैं आगे, 100 वॉट है तो ये जूल्स पर सेकेंड भी लिखा जा सकता है बच्चों, और इस टर्म को लिख लो 200 मेगा स्टैंड्स फॉर 10 to power 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज 1.6 × 10⁻¹⁹ और यहाँ आ गया जूल्स, इससे चला जाएगा बच्चों। तो आंसर मिल रहा है अपन को 1/3.2। ठीक है, और इसको सॉल्व करोगे तो ये ऊपर की तरफ निकल जाएगा और जाएगा प्लस में 13, और ये सेकेंड इन्वर्स मतलब पर सेकेंड का टर्म आ रहा है ये। इसको सॉल्व जब करेंगे अपन तो आंसर मिलने लगेगा अपन को 3.1, और ये कम हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 और पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर टू हमारा यहाँ पे सही जाएगा। ये बच्चों आपका रेट है, ठीक है, जिस रेट से ये फिजन होता है, रेट ऑफ फिजन। पेपर में ये टर्म्स लिखने हैं और सीधा अपन को आंसर देखना है। ठीक है ना बच्चों, लेट्स मूव फॉरवर्ड। क्वेश्चन फोर में एक बॉल है जिसका मास m है, इसको स्ट्रिंग के साथ टाई कर दिया है और हॉरिजॉन्टल सर्कल पे रेडियस r पे चलने बोला है। फिर कहता है इंस्टेंट पे वेलोसिटी v है, टेंशन स्ट्रिंग का t है और फोर्स बताना है अपन को सर्कुलर मोशन के लिए, मतलब जो फोर्स रिक्वायर्ड है आपको प्रॉपर सर्कल देने के लिए। पता होता है अपन को इसको सेंट्रिपिटल फोर्स कहते हैं अपन। लेट अज्यूम कि ये एक हॉरिजॉन्टल सर्कल है बच्चों, इसके रेडियस आर के साथ कोई भी पार्टिकल, ठीक है,
वेलोसिटी वी टेंजेंट पे रख के मास रख के इस तरह से चल रहा होगा। आप कह सकते हो कि मास है और बॉडी सेंटर की तरफ है, तो एक टेंशन का फोर्स टूवर्ड सेंटर होगा, और यही जो टेंशन का फोर्स है यही इस पे पड़ने वाला नेट फोर्स हो जाएगा, और सर्कुलर मोशन है तो इसी का नाम क्या हो जाएगा, एफ ऑफ सी, जिसको अपन कहते हैं वी स्क्वायर बाय आर। सॉल्व नहीं करने की ज़रूरत है, इसको सीधा मिल रहा है, टेंशन विल बी इक्वलिंग दिस एंड अगेन द फोर्स विल बी इक्वलिंग एम वी स्क्वायर बाय आर। क्योंकि अपन को जानकारी होती है कि सर्कल लगाना है तो हमको सेंट्रिपिटल फोर्स तो चाहिए ही होगा, ठीक है, टू परफॉर्म एनी सर्कुलर मोशन वी रिक्वायर अ सेंट्रिपिटल फोर्स। तो ये सब कुछ एक ही है बच्चों, आंसर ऑप्शन सी है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। क्वेश्चन फिफ्थ में कहता है मॉड्यूलेशन इंडेक्स हाफ है। बच्चों म्यू का टर्म लेस देन वन होना चाहिए तभी अपन मानते हैं कि मॉड्यूलेशन हुआ है, राइट। फिर कहता है पावर कैरियर का 2 वॉट है, अपने को बताना है पावर मॉड्यूलेटेड वेव का। तो फॉर्मूला होता है बच्चों इसको, म्यू का टर्म आता है ए ऑफ एम डिवाइड बाय ए ऑफ सी, ये होता है मैसेज सिग्नल या मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, और इसको कहते हैं बच्चों कैरियर। हालांकि ये सब एम्पीट्यूड लिखे हुए हैं, और एम्पीट्यूड अपने आप में करंट वोल्टेज पावर सब बता सकते हैं बच्चों, तो म्यू का टर्म बिना कंफ्यूज हुए अपन लिख सकते हैं पावर ऑफ मैसेज डिवाइड बाय पावर ऑफ कैरियर। ये टर्म हाफ गिवन है, ये अपन को फाइंड करनी है, और ये हो गया 2 वॉट, कर लो कैंसिलेशन, तो आ रहा है अपना आंसर 1 वॉट, ठीक है, सिंपल है ना ये। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। इन क्वेश्चन 6 वेलोसिटी किसी पार्टिकल की कह दी है 3 टाइम्स है इलेक्ट्रॉन के, तो मान लो बच्चों की वी डैश बोला है 3 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। फिर कहता है रेशियो ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ पार्टिकल का इलेक्ट्रॉन के साथ इतना दे दिया है 1.8 और 10^-4, ठीक है, पहचानना है कि पार्टिकल कौन है। तो वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है एच अपॉन एम वी, डी ब्रॉय के अकॉर्डिंग कॉन्स्टेंट है, मतलब ये इसके इन्वर्स में जा रहा है, तो लैम्डा डैश डिवाइड बाय लैम्डा कितना होगा बच्चों, ये हो जाएगा एम ई वी ई डिवाइड बाय एम डैश और वी डैश, यही तो पढ़ना अपन को। वी ई बाय वी डैश कितना होगा, यहाँ देखो जरा, वी ई बाय वी डैश हो जाएगा बच्चों 1/3, ये हो जाएगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय डिजायर्ड मास, और ये टर्म गिवन है अपन को 1.814 10^-4। यहाँ से एम डैश निकाल लो, सीधा आंसर मिल जाएगा, ये हो गया 1/3, ठीक है, 1/1.814 और 10^-4, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 10^-31, ठीक है, माइनस में 4 है 31 है, मतलब आना चाहिए आंसर अपना माइनस के अंदर 27। इन तीनों को सॉल्व कर लोगे तो 1.672 मिलने लगेगा, और ये चीज़ सभी जानते हैं कि क्या है ऑप्शन देखकर, न्यूट्रॉन, तो ऑप्शन नंबर ए अपना सही जाएगा। लेट्स मूव फॉरवर्ड। प्रॉब्लम 7 में डायपोल मोमेंट पी दिया हुआ है बच्चों, और उसको प्लेस करके रखा है नॉन यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर जो एक्स एक्सिस पे बढ़ रही है। इट इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 1 वोल्ट पर मीटर। समझते हैं पहले इसको, हमारे पास बच्चों एक वाई एक्सिस दिया हुआ है इस तरह से, और एक एक्स एक्सिस भी दिया हुआ है, ठीक है, और कह रहा है कि इंक्रीज कर रहा है किस रेट से, 1 वोल्ट पर मीटर से। फॉर एग्जाम्पल अगर अपन ऐसी बात करें कि इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती जा रही है बच्चों, तो यहाँ पर डेंस होता जाएगा ये, और बीच में कहीं यहाँ पर डायपोल को रख लो तो माइनस ऑफ क्यू, और ये हो जाएगा प्लस ऑफ क्यू, तो डायरेक्शन हो जाएगा डायपोल मोमेंट का, और यहाँ पे चेंज दिया है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, देखो यहाँ वही पूछा है 1 वोल्ट पर मीटर, तो डी बाई डी एक्स इज गिवन एज 1 वोल्ट पर मीटर। अब एक बात समझते हैं, डायपोल रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, इसका मतलब है इसके पास पोटेंशियल एनर्जी भी होगी, वो होती है माइनस ऑफ पी वेक्टर डॉट ऑफ ई वेक्टर, बहुत छोटा एनर्जी कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ पी डॉट डी ई का टर्म आ जाएगा बच्चों, सीधा है ये तो, ठीक है ना। अब ध्यान दो, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो लग रहा होगा वो कंजर्वेटिव नेचर का होगा, तो आप लिख सकते हो फोर्स का टर्म अकॉर्डिंग टू कंजर्वेटिव फोर्स, आप लिख सकते हो माइनस ऑफ डी यू डिवाइड बाय एक्स पे चेंज हो रहा है तो यहाँ हो जाएगा एक्स, ये नेगेटिव का टर्म है, तो यहाँ सीधा आ जाएगा पी डॉट डी ई बाय डी एक्स, ठीक है, ये टर्म गिवन है, देखो 1 वोल्ट, तो आगे अपना आंसर फोर्स इज इक्वल्स टू पी इंटू 1, अगर वेक्टर चाहोगे तो लगा लो इसको,
वन का टर्म है, और सही आंसर मिल रहा है अपन को ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, फोर्स है वो डायपोल मोमेंट के ही बराबर मिल रहा है। ठीक है बच्चों, लेट्स मूव फॉरवर्ड। क्वेश्चन एट को बच्चों देखो, डायमेंशनल फॉर्मूला बताना है एंगल पर मोमेंटम का। ऐसे तो इसके बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, आर लिखा यहाँ पे और यहाँ पे पी बताया। मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो हो जाएगा एम वी आर और ये हो जाएगा साइन थीटा। जब कभी इसके आसपास हमने क्या लगाया स्क्वायर ब्रैकेट, तो मतलब क्या है एम वी आर इन तीनों को ही पढ़ेंगे बस। एम के लिए आ जाएगा एक बड़ा वाला एम, स्पीड के लिए आ जाएगा एल टी माइनस वन, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, इसका कोई मतलब नहीं है डायमेंशन की दुनिया में। ये हो जाएगा एल, तो आंसर मिल रहा है एम वन एल टू टी माइनस वन, तो एम वन एल टू टी माइनस वन इसका ऑप्शन ए सही होगा। लेट्स मूव फॉरवर्ड। क्वेश्चन नाइन में बच्चों कहता है रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक मूवमेंट और एंगुलर वेलोसिटी बताओ, है ना। किस कॉन्टेक्स्ट में है वो अपन समझ लेते हैं। एम बड़े एम का एक फॉर्मूला होता है वेक्टर के साथ, एन आई और ए का वेक्टर, और मैग्नेटिज्म चैप्टर में होता है छोटा वाला एम और जितना भी डिस्टेंस दोनों पोल्स के बीच में है, इसको इस्तेमाल करो बच्चों। एम का टर्म ये हो गया एन, करंट होता है चार्ज, ठीक है, पर यूनिट टाइम, और ये हो जाएगा ए। कांस्टेंट है और कांस्टेंट है ये सिर्फ इस पे डिपेंड करवा लो उसको, या नेक्स्ट लाइन में लिख सकते हो ये हो गया क्यू और ये एफ का टर्म भी आ जाएगा बच्चों, ए का टर्म, ठीक है। देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और ओमेगा का मतलब क्या होता है टू पाई एफ होता है, तो ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो अल्टीमेटली क्या मिल रहा है ये इस चीज के प्रोपोर्शनल है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन टेन में इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है बच्चों जिसका बैंड गैप दे रखा है, तो ये टर्म आ गई अपनी यूजी की। रेशियो पूछा है नंबर ऑफ चार्ज कैरियर का 600 पे और 300 पे, मतलब इसको T2 कर लेते हैं और इस टर्म को हो जाएगा T1। पहले ये समझते हैं कि इंट्रिंसिक के अंदर चार्ज कैरियर का फॉर्मूला क्या है। ये हो जाएगा N0, एक कॉन्स्टेंट होता है, एक्सपोनेंट का टर्म होता है नेगेटिव में अपन ने लिखा Eg डिवाइड बाय होता है 2kT, ठीक है। इसको ऐसा पढ़ेंगे बच्चों N0 एक्सपोनेंट का टर्म होगा, नेगेटिव में आ रही वैल्यू Eg डिवाइड बाय 2k और यहाँ आ जाएगा उस इंस्टेंट का टेम्परेचर। तो रेशियो 600 बाय 300 का लेना है, तो ये ऐसा कुछ मिलेगा Ni ऑफ 2 डिवाइड बाय Ni ऑफ 1। न्यूमरेटर लिख रहा हूँ पहले मैं, N0 हो जाएगा बच्चों और ये हो जाएगा एक्सपोनेंट, नेगेटिव में टर्म आ जाएगी आपके पास Eg डिवाइड बाय 2 इंटू, ठीक है, ये k का टर्म होगा और यहाँ आ जाएगा 600, ठीक है ना। और सॉल्व कर लेते हैं इसको, ये हो जाएगा N0 एक्सपोनेंट, डिनोमिनेटर में बात करनी है 300 पे, तो यहाँ तो आ रहा है E ऑफ G डिवाइड बाय 2, k का टर्म भी है बच्चों और 300 भी है, इसे कैंसिलेशंस में रख लेते हैं और आंसर देखते हैं। ये हो गया एक्सपोनेंट, आप देखोगे तो नेगेटिव में Eg डिवाइड बाय 2 के बाहर निकाल लो तो अंदर बचेगा 1/600 माइनस में 1/300, ठीक है ना। सॉल्व कर लेते हैं इसको, ये आ रहा है बच्चों एक्सपोनेंट, नेगेटिव में 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गिवन है ये तो, राइट 2 आया, k का मतलब होता है 8.62 इंटू 10^-5, ठीक, और ये टर्म भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती जो कि कैंसिल आउट हो जाएगा और यहां पढ़ोगे तो आ रहा है 1-2 डिवाइड बाय नीचे आ जाएगा 600। सॉल्व किया तो एक्सपोनेंट के साथ मिलेगा 11.6 जो आसपास होगा आपके 10^5 इसकी वैल्यू के, तो ये अपना आ रहा है बच्चों रेशियो, ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही होगा, 10^5 विल बी द रेशियो ऑफ चार्ज कैरियर साइड 600 और 300 दोनों के रेशियोज होंगे 10^5। लेट्स मूव फॉरवर्ड।